केजरीवाल के घर स्वाति मालीवाल से मारपीट सच है या फिर साजिश? सवाल इसलिए है क्योंकि स्वाति मालीवाल आरोप लगा रही हैं कि मुख्यमंत्री आवास में उनके साथ मारपीट हुई है। केजरीवाल के पीए ने बेरहमी से उनकी पिटाई की, लेकिन केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने दिल्ली पुलिस को एक शिकायत भेजी है। उस शिकायत में कहा गया है कि स्वाति के आरोप निराधार हैं, वो बिना अपॉइंटमेंट के मुख्यमंत्री निवास में आई और पूछने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी देने लगी। अब सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन इस बीच दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री आवास से विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद दिल्ली के सियासी गलियारे का तापमान चढ़ने लगा। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि स्वाति को चेहरा और मोहरा बनाकर बीजेपी पूरी साजिश रच रही है, तो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। हालांकि सवाल ये है कि किसके दावे सच्चे हैं और कौन झूठ बोल रहा है, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। इस मसले पर जनता क्या कहती है ये भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले हमने इस विषय से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में पिटाई कांड का सच क्या है? क्या वाकई में स्वाति मालीवाल को केजरीवाल के पीए ने बेरहमी से पीटा या फिर विभव को फंसाने की साजिश रची गई? इसकी जांच की आंच मुख्यमंत्री आवास तक पहुंची। दिल्ली पुलिस ने सीएम आवास की सीसीटीवी फुटेज खंगाले, डीवीआर को अपने कब्जे में लिया और केजरीवाल के निवास से ही पिटाई कांड के आरोपी विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, विभव ने जिस गुंडागर्दी से स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की है, और आश्चर्यजनक यह है कि उसकी गिरफ्तारी मुख्यमंत्री आवास के अंदर होती है, तो सीधा सीधा संदेश है दिल्ली की जनता को कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री का निवास अब गुंडों की शरण स्थली बन चुका है। तो विभव की गिरफ्तारी पर सियासी लड़ाई गुंडों तक आ गई, और इस बीच दो दिनों में घटना वाले दिन के दो वीडियो सामने आए जिसने सस्पेंस को और भी बढ़ा दिया। पहली तस्वीर देखिए, स्वाति मालीवाल का हाथ पकड़कर महिला सुरक्षाकर्मी सीएम आवास से बाहर लेकर आ रही है और पीछे कुछ और सुरक्षाकर्मी आते हैं। बाहर निकलने के बाद स्वाति मालीवाल महिला सुरक्षाकर्मी से हाथ छुड़ाती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। ये तस्वीर घटना वाले दिन यानी 13 मई की बताई जा रही है। वहीं दूसरी तस्वीर सीएम आवास के अंदर की है, जहां स्वाति मालीवाल और सीएम आवास की सुरक्षाकर्मियों के बीच तीखी बहस होती है। इन दोनों वीडियो ने दिल्ली के सियासी बवाल को और बढ़ा दिया है। वीडियो को सबूत बताकर आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस समय का वो वीडियो है वो उस समय के बाद का है जहां पर वो क्लेम कर रही हैं कि उनके ऊपर हमला हुआ, लेकिन उस वीडियो को देखकर साफ साफ नजर आ रहा है कि स्वाति मालीवाल जी के ना कपड़े फटे हुए हैं, ना स्वाति मालीवाल जी दर्द से कराह रही हैं, ना स्वाति मालीवाल जी के सर पे चोट लगी हुई है। जो सारी बातें स्वाति मालीवाल जी ने अपनी शिकायत में कही हैं, जो स्वाति मालीवाल जी ने एफआईआर में दर्ज करवाई। अब वीडियो की सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन फिलहाल स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें मालीवाल की आंख और पैर में चोट के निशान मिले। आंख, चेहरे और पैर में चोट की पुष्टि, बाएं पैर में चोट, दाहिने आंख के नीचे भी चोट के निशान मिले हैं। मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ हथियार की धार तेज कर दी है। महिला सम्मान के बारे में उनके घर में घटना घटती है और वो मौन रखते हैं, वो चुप रहते हैं। अगर ये बात बीजेपी ने रची है तो तुम माइक इधर से उधर क्यों खिसका रहे थे? बीजेपी ने रची है जो अखिलेश यादव के समय जो उन्होंने से पूछा गया लखनऊ तो, हाँ, तो एक बार माइक बाएं खिसकाया, फिर एक बार दाएं खिसकाया, और चेहरा देखिए आपकी, वो चेहरा अपने आप में बताता है। तो और महिलाओं के अपमान के बाद आपकी चुप्पी क्यों है? बीजेपी ने रचा तो आप क्यों चुप हैं? क्यों नहीं आप बोलते हैं? क्या आपको रोक रहा है? आपके कर्म रोक रहे हैं। बीजेपी बार बार केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल खड़े कर रही है, दिल्ली के सीएम को सवालों के कटघरे में खड़े कर रही है, तो आम आदमी पार्टी के सिपाहियों ने बीजेपी पर ही साजिश रचने के आरोप मढ़ दिए हैं। नड्डा साहब को मैं सुन रहा था,
वे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता उनके संपर्क में नहीं है। मैं चुनौती देता हूं, उनके पास सारी की सारी एजेंसी है, उनके जितने भी व्हाट्सएप कॉल्स हैं, फेसटाइम कॉल्स हैं, देख लें। मैं कह रहा हूं कि वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के उनके संपर्क में हैं। स्वाति मालीवाल उनके सांसद है ना, पहले संजय सिंह ने आकर के कहा कि नहीं ये गलत हुआ है, इससे बहुत दुखित हैं हमारे केजरीवाल जी। अब जब पुलिस की जांच हो रही है तो उस जांच पर अब उसके खिलाफ क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, तो क्या केजरीवाल जी की पार्टी में साधारण महिलाओं की बात भूल जाइए, अपनी महिला सांसद के साथ ये अभद्रता होती है? और अभद्रता होकर के उनके तथाकथित पर्सनल स्टाफ पिटाई का आरोप लगता है। तो स्वाति की पिटाई पर जबरदस्त लड़ाई छिड़ी है, लेकिन सवाल है कि सीएम हाउस में पिटाई का सच क्या है, किसके दावे सच हैं और कौन झूठ बोल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस घटना से और इस खबर से जुड़े हुए कई सारे सवाल हैं जो लोगों के जहन में घूम रहे हैं। हमने वो सवाल जनता से पूछे और उस पर जनता की राय भी, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर। दिल्ली पुलिस ने विभव का मेडिकल कराया है, अरुणा आसफ अली अस्पताल में यह मेडिकल हुआ है। विभव जो कि अरविंद केजरीवाल के पीए हैं, दिल्ली पुलिस ने आज विभव को गिरफ्तार किया। विभव पर स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप लगा है। स्वाति मालीवाल ने यह आरोप लगाया है कि विभव ने उन्हें लात घूंसों से पीटा है, जिसके कारण उनको चोट आई है और चोट के साथ साथ उन्हें उनका सर टेबल पर पटक दिया। अक्षित हमारे सहयोगी एक रिपोर्ट लेकर आपके सामने आ रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। कुमार को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम जो है कोर्ट जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह जो है आज उनका अरेस्ट चल रहा है। पहले कहीं जो है दिल्ली पुलिस की टीम पूरा कॉन्वॉय जो है उनको कोर्ट की तरफ लेकर जा रहा है। साफ तौर पर बताया जा रहा है कि पहले जो है उनका मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद जो है उनको पेश किया जाएगा। और कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाई जा रही है कि दिल्ली पुलिस जो है उनकी फर्दर रिमांड मांग सकती है इंटेरोगेशन के लिए, यानी कि केस में क्या क्या हुआ है, उस दिन क्या क्या हुआ था, क्या क्या ट्रांसपायर हुआ था, किस तरीके से सीएम रेजिडेंस पर पूरी घटना घटी थी। तो कहीं ना कहीं उस मामले को देखकर पुलिस जो है रिमांड मांग चुकी है, ये अभी माना जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज जो है कोर्ट ने उनकी जो एंटीसिपेशन बेल की क्लीन थी उसको इंस्ट्रक्शंस बता दिया था, यानी बोल दिया था कि वो इनफेक्टिव है, क्योंकि जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने बोला था कि उनका अरेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, तो ये बेल प्ली अभी इनफेक्टिव है। अपन कहीं ना कहीं दिल्ली में सियासत तेज होती है दिखती है, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी अरेस्ट होने के बाद बयान आया था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बताया था, उन्होंने साफ तौर पर जो है बीजेपी पर अटैक किया था और उन्होंने बोला था कि कल 12 बजे वो अपने एमपी एमएलएस के साथ जो है बीजेपी हेडक्वार्टर्स आएंगे, धरना देंगे। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का भी ये पहला बयान, जिस तरीके से पूरा स्वाति मालीवाल का ये केस चल रहा है, और आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल ने कई बड़े एलिगेशन लगाए हैं, उन्होंने बोला है कि 7 बार उनको जो है कत्ल मारा गया और उनको घसीटा भी गया, और साथ ही साथ उनकी मेडिकल रिपोर्ट में भी ये निकल कर सामने आया है कि उनकी आँख के नीचे और पैर पर जो है ब्रूसेज हैं, यानी कि घाव है। और बिल्कुल आपने देखा कि सिविल लाइन्स के थाने से किस तरह से दिल्ली पुलिस विभव कुमार को कोर्ट की तरफ लेके जा रही है। तो दिल्ली पुलिस ने विभव का मेडिकल कराया है, जैसा कि अक्षित हमारे सहयोगी बता रहे थे। और एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, जो कि हमारे सहयोगी आशीष ने अभी तुरंत भेजी है, वो बड़ी खबर ये है कि अस्पताल में तो मेडिकल हो रहा है, लेकिन किसी भी वक्त विभव कुमार को 30,000 कोर्ट में पेश किया जा सकता है। कोर्ट रूम में एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव और विभव के वकील पहुंच चुके हैं। ये दूसरी बड़ी खबर मैं बता रहा हूं, और ये भी जानकारी हो सकती है कि यहां पर दिल्ली पुलिस विभव की रिमांड भी मांग सकती है। ये बड़ी खबर अक्षित के साथ साथ एक और आपकी जानकारी बता रहा हूं। कई सारे सवाल इस घटना को लेकर हमने लोगों से पूछे हैं, और लोगों ने यानी कि जनता ने, पब्लिक ने इस पर अपनी राय भी दी है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा, स्वाति मालीवाल विवाद में अब दोनों पक्ष अलग अलग दावे कर रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या होगा? 20% लोगों ने कहा विभव ने स्वाति को पीटा है, 16% लोगों ने कहा कि स्वाति ने विभव को उकसाया होगा, 34% लोगों ने कहा कि केजरीवाल के इशारे पर यह सब कुछ हुआ है,
और 30% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे, या तो वो बोलना नहीं चाहते या फिर कंफ्यूज हैं। ये राय आपके सामने। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता शिखर राय हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर रतन जैन कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, राखी दुबे महिला कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, और नव्यांश शर्मा जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ होंगे, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के नव्यांश हमारे साथ मौजूद है। नव्यांश, क्या कहेंगे ये सवाल और जनता की राय? देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और मैं आपसे जो भी ये घटनाक्रम हुआ है उसमें जो आम आदमी पार्टी के जितने भी सपोर्टर्स हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं, जब शुरुआत में ये हमारे सामने आया था तो सबको ये लगा था कि क्या ये जो मामला है इसकी जांच होनी चाहिए, किसी भी महिला के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमें शुरुआत में लगा था। लेकिन जिस तरह से अब ये अनफोल्ड हो रहा है, जिस तरह से सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ रही है, जिस तरह से दोनों पक्ष दिखाई दे रहे हैं, तो ये हमें हमारे सामने आ गया कि किस तरह से कोशिश की जा रही है एक राजनीतिक षड्यंत्र करने की, और किस तरह से कोशिश की जा रही है कि एक 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 तरह से उकसाने की और एक तरह से फंसाने की। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि कैसे बैक टू बैक एक के बाद एक हमारे नेताओं को जो है वो जेल में डाला जा रहा है, किसी ना किसी एलिगेशन चीटे लगा के जेल में डाला जा रहा है। पहले हमारे मंत्रियों को जेल में डाला गया, सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला गया, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला गया, अरविंद जी को जेल में डाल दिया गया। अब जब शराब घोटाला में पूरी तरह से ये एक्सपोज हो चुके हैं और ये सामने आ गया कि शराब घोटाला जो है वो असली में बीजेपी ने किया है, तो अब ये नए तरीके ढूंढ रहे हैं हमारे लोगों को जेल में डालने के। शिखर राय हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से पूछते हैं। शिखर जी, जिस बात का जिक्र नव्यान कर रहे हैं, आज अरविंद केजरीवाल ने भी साफ तौर पर कहा है कि भैया एक के बाद तमाम हमारे नेताओं को आप जेल में डाल रहे हो, आप संतुष्ट नहीं हो, तो कल बीजेपी कार्यालय में 12 बजे पहुंच रहा हूं, अपने सारे नेताओं को लेकर पहुंच रहा हूं, हमको जेल में डाल दो। आम आदमी पार्टी जेल में डालने से खत्म नहीं होगी, एक विचार है, क्या कह रहे हैं आपका? देखिए, मैं इस बात के लिए क्या कहूं कि आम आदमी पार्टी कैसे खत्म होगी, क्योंकि वो स्वयं को खत्म करने में लगे हुए हैं। आप भ्रष्टाचार करोगे, आप मनी लॉन्ड्रिंग करोगे, आप दोषी पाए जाओगे तो आप जेल में तो जाओगे ही। ये कैसे संभव है कि एक आम व्यक्ति अगर किसी कारणों से दोषी पाए जाए तो वो तो अंदर जाएगा, लेकिन चूंकि आप मुख्यमंत्री हैं या आप बड़ी पार्टी के नेता हैं तो आपको अगर अरेस्ट होती है तो वो आप तो बताते हैं कि ये किसी ना किसी पॉलिटिकल उससे है, क्या है, सब कुछ कोर्ट के सामने है। प्राइमा फेशाई एविडेंस के बाद ही, अरेस्ट के बाद ही बेल रिजेक्ट होती है। अगर आज इंटरिम मिली हुई है उसमें भी कोर्ट ने ये नहीं कहा कि कोई किसी चार्जेस से बरी हुआ है। आप एक के बाद एक लगातार इस तरह के काम करते जाएंगे, फिर भी आप सोचें कि आप अरेस्ट ना हो, और अगर अरेस्ट होते हैं तो आप कहते हैं ये तो विपक्ष ने कराया है। मैं ये समझती हूँ स्वाति मालवीय जी के जो साथ ये हुआ, कि हम लगातार कहते आए हैं कि आम आदमी पार्टी में महिलाओं के सम्मान, महिलाओं की इज्जत कभी नहीं रही है। आज उनकी स्वयं की एक सांसद, वो किन कारणों से वहां गई, वो क्या इशू था, वो उनसे टाइम लेके नहीं गई, हमें नहीं मालूम, पर जिस तरह का व्यवहार और जिस तरह की कंप्लेंट उन्होंने लिखवाई है, और उसके बाद से आज जब उनकी अपना विभव जी की अरेस्ट होती है तो बड़ा साफ स्पष्ट होता है कि इन 5 दिनों में केजरीवाल जी इसके बावजूद। अब इसकी सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना साफ है, ये दिखाई दे रहा है कि स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की नेता है, कार्यकर्ता रही है, और वो महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं दिल्ली की, और राज्यसभा सदस्य भी हैं, और अगर वो आरोप लगा रही है तो उनकी बातों को मानना पड़ेगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। अब वो तमाम सारे वीडियो फुटेज देखा जाएगा, वहाँ मौजूद जो सुरक्षाकर्मी उनके बयान और गवाहों को समझा जाएगा, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर एक संकेत दे दिया है भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी को, वो संकेत क्या है एक बार इसे सुनिए। आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं ये लोग, एक के बाद एक ये हमारे नेताओं को जेल में डालते जा रहे हैं। इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, आज मेरे पीए को जेल में डाल दिया। अब ये कह रहे हैं राघव चड्ढा भी, अभी लंदन से लौटे हैं, कह रहे हैं राघव चड्ढा को भी जेल में डालेंगे। थोड़े दिन में कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालेंगे, आतिशी को भी जेल में डालेंगे। मैं ये सोच रहा था कि ये हम सब लोगों को जेल में क्यों डालना चाहते हैं, हमारा कसूर क्या है? हमारा कसूर ये है कि हमने दिल्ली के अंदर गरीब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया, सरकारी स्कूल शानदार बनाए, ये नहीं बना सकते।
इसलिए ये सरकारी स्कूल दिल्ली के रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर ये है कि हमने दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सरकारी अस्पताल बनाए, लोगों के लिए फ्री दवाई का इंतजाम किया, अच्छे इलाज का इंतजाम किया, ये नहीं कर पा रहे, इसलिए दिल्ली के अस्पतालों को और मोहल्ला क्लिनिक को इलाज को रुकना चाहते हैं। हमारा कसूर ये है कि पहले दिल्ली में 10-10 घंटे बिजली के पावर कट लगते थे, हमने 24 घंटे। तो साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे, अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है। अब सर्वे का दूसरा सवाल ले लेते हैं। आम आदमी पार्टी अब स्वाति मालीवाल को बीजेपी का एजेंट बता रही है। आपकी राय, 56% लोग खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, 19% लोगों ने कहा कि बीजेपी का हाथ है, 16% लोगों ने कहा कि सिचुएशन के चलते ऐसा हुआ है, परिस्थितियों के चलते ऐसा हुआ है, और 9% लोग इसमें से किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहते थे। हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा कर लेते हैं। प्रोफेसर रतन जैन हैं, राखी दुबे हैं, महिला कार्यकर्ता हैं। प्रोफेसर रतन साहब, आप तो गठबंधन में हैं आम आदमी पार्टी के साथ, आपकी स्थिति क्या है और जो घटनाक्रम चल रहा है, इस घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पूरी सच्चाई के बारे में क्या है, कोई भी आदमी कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को नहीं कह सकता जी। हम ये भी नहीं कह सकते कि सारी कहानी झूठी है, और सारे तथ्यों को देखते हुए ये भी नहीं कहा जा सकता कि मालीवाल जी जो कुछ कह रही हैं वो सारा सच है। मतलब आप बीच की लाइन ले रहे हैं। लेकिन लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जांच होगी, कोर्ट का डिसीजन भी आएगा, और उसके बाद जो दोषी पाया जाए उसको दंड मिलना चाहिए। अगर आरोप लगाने वाला गलती पर है, बेवजह आरोप लगा रहा है, तो उसको दंड मिलना चाहिए, और यदि आरोप सत्य है, तथ्य है, तो फिर इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि जिस व्यक्ति ने किया वो किसका पीए है या किसका पीएस है या कितना प्रभावशाली है। मुझे ये लगता है कि घटना घटित हुई है, और इस घटना घटित होने के 2-3 दिन तक इस बात के प्रयास रहे हैं कि इसको पार्टी के स्तर पर ही सुलझा लिया जाए। लेकिन जब लखनऊ के अंदर चीफ मिनिस्टर और संजय जी के साथ वैभव की उपस्थिति होती है, उसने आग में घी का काम किया है। बहुत सही बात कही आपने कि जो वैभव की उपस्थिति थी उसने आग में घी डालने का काम किया, और उसी घटना के बाद, उसी वीडियो के बाद, उसी तस्वीरों के बाद वो मीडिया में आया और स्वाति मालीवाल ने अपना गुस्सा जाहिर किया शिकायत के जरिए। एक और सर्वे का सवाल है, और वो सवाल है स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी मामले में आम आदमी पार्टी के यूटर्न से लोकसभा चुनाव में नुकसान होगा। 72% लोगों ने कहा कि नुकसान होगा, 23% लोगों ने कहा नुकसान नहीं होगा, और 5% लोग उस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। हमारे साथ महिला कार्यकर्ता हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, महिला एक्टिविस्ट हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। राखी जी, राखी जी, इस पूरे मामले को आप कैसे देखती? राखी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है, बताएं। हाँ जी, मैं ये कह रही, एक तो मैं महिला हूँ और दूसरा मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं अपने मुख्यमंत्री से उम्मीद करती हूँ, मेरे जैसी सारी महिलाएं उम्मीद करती कि मुख्यमंत्री हमें सुरक्षा प्रदान करे। अगर उनके ही पार्टी की एक कार्यकर्ता, एक सांसद उनके घर जाती है उनसे मिलने के लिए, जैसा कि उनके पीए ने कंप्लेन करी, जबरदस्ती मिलना चाहिए, जो कुछ भी था, तो उसके साथ कोई अभद्रता नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ भी हुआ है वहां पे, तो मैं एक्सपेक्ट करती हर एक महिला की एक निष्पक्ष जांच जरूर होनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए थी। आज तक इतने दिन हो गए इंसिडेंट के, उन्होंने आके एक भी चीज साफ साफ बताई नहीं है कि एक्चुअल में उनके घर में उस दिन हुआ क्या था। ऐसा नहीं है कि उनकी नॉलेज में नहीं होगा, वो उन्हीं की पार्टी की महिला है और वो उन्हीं का ही पीए है, तो पूरी चीजें पता होगी। लेकिन उसमें चुप्पी साधे हुए और बीजेपी को ब्लेम करें, तो ये हमें तो और भी ज्यादा असुरक्षित महसूस हो रहा है कि हम बहुत ज्यादा, मेरे जैसी सारी महिलाएं बड़ी असुरक्षित महसूस कर रही है अपने आप को। अगर हमारा मुख्यमंत्री अपनी सांसद के साथ नहीं खड़ा हो सकता, तो कल वो हमें क्या सुरक्षा प्रदान करेंगे? तो ये बहुत ही गलत मैसेज मेरे ख्याल से जा रहा है, जो कि हम ऐसा उम्मीद नहीं करते। ये बहुत गलत मैसेज जा रहा है, राखी जी का कहना है, और वो कह रही है कि मैं मुख्यमंत्री से उम्मीद करती हूँ क्योंकि वो हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, मैं दिल्ली में रहने वाली हूँ। तमाम सारे के संकेत हैं। सर्वे का एक और सवाल है, उस हम सवाल को ले लेते हैं। ये चौथा सवाल है जो हमने लोगों से पूछा। सवाल है कि स्वाति मालीवाल केस में क्या अरविंद केजरीवाल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवाल का
जवाब देना चाहिए। 90% लोगों ने कहा कि हाँ जवाब देना चाहिए, 9% लोगों ने कहा कि नहीं देना चाहिए, मात्र 1% लोग थे जो इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। नव्यान हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि घटना घटी है, स्वाति मालीवाल ने कई सारे सवाल खड़े हुए, तो इस पर जवाब देने से क्या बचना? अगर मुख्यमंत्री से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया तो जवाब दिया जाए। संजय सिंह जवाब दे रहे हैं, मुख्यमंत्री चुप हैं। सर देखिए, जो लोग भी माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को जानते हैं वो ये जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए जितना काम किया है, उनके सम्मान के लिए कितना काम किया है, ये किसी से छुपा नहीं है। चाहे आप महिला सम्मान राशि की बात कर लीजिए जो 1000 देने का काम दिल्ली सरकार करने वाली है, चाहे महिलाओं के लिए बस सर्विस देख लीजिए, चाहे महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा देख लीजिए, चाहे लास्ट में नव्यान जी आप योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं, बीजेपी ये कह रही है, बीजेपी ये कह रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये सब कुछ बीजेपी करा रही है, आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को लेकर वो जेल में डाल रही है, बीजेपी ये कह रही है कि तू इधर उधर की बात मत कर, बता कि काफिला लुटा क्यों? मैं उसी पर आ रहा हूं। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए जितना काम किया है कोई भी उन पर उंगली नहीं उठा सकता। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ये षड्यंत्र है और एक एक करके हमारे सभी नेताओं को जेल में डालने की साजिश हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुल के उसके ऊपर जवाब दिया। और जहां तक देखिए इस इंसिडेंट की बात है, अगर आप इस इंसिडेंट को स्टेप बाय स्टेप देखें तो आप समझ जाएंगे कि क्यों हम कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है। पहली बात, जब स्वाति मालीवाल जी वहां पर गई थी तो स्वाति मालीवाल जी ने ये जो स्टेटमेंट दी है पुलिस को, उसके हिसाब से जो सीसीटीवी फुटेज आई है तो दोनों में विरोध भाव है, दोनों में डिफरेंस है। स्वाति मालीवाल जी ने कहा कि उनके साथ मारपीट की गई तो उन्होंने 112 को बुलाया, लेकिन वीडियो में वो साफ नजर आ रही है कि वो कैसे दिल्ली पुलिस को धमका रही है, कैसे दिल्ली पुलिस को वो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है। दिल्ली पुलिस ने क्लियरली बोला कि आपके पास मैडम अपॉइंटमेंट नहीं है, आपको जाना पड़ेगा, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया जाने से, उन्होंने आगे से उनको धमकी भी दी और फिर दिल्ली पुलिस ने उनको बाहर एस्कॉर्ट किया और वो आराम से बाहर जा रही है। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में। नव्यांश का ये कहना है कि वो आराम से जाती हुई दिखाई दे रही है और उसके दूसरे दिन वो जब चल रही थी तो ऐसा लग रहा था वो बहुत गंभीर बीमार है, उनके साथ मारपीट इतनी ज्यादा की गई है वो चल नहीं पा रहे। यानी कि नव्यान ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र है। शिखा जी आपसे मेरा सवाल, अरविंद केजरीवाल के जेल में बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी का एक टेम्पो बन रहा था, अब वो टेम्पो आप बनने देना नहीं चाहते इस घटना के जरिए, यानी कि ये पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र है जिसका जिक्र नव्यान कर रहे हैं। देखिए मैं पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि महिला के साथ दुर्व्यवहार हो गया, हुआ कैसे, हुआ आपके घर पे हुआ, आप चुप क्यों साधे हुए हैं? अब किसी बात के ऊपर अगर आप महिला का इतना सम्मान करते हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो भ्रष्टाचार के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद है, अगर इतना सम्मान करते हैं तो जब एक महिला बिना अभी तक तो उनको कंप्लेंट भी नहीं लिखवानी चाहिए थी, उससे पहले ही उनको कुछ करना चाहिए था ना, उनको तो कंप्लेंट भी लिखवा दी, उसके बाद ही उन्होंने उनकी सुध नहीं ली। उनकी एक सांसद अपनी जो कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन रह चुकी है, जिन्होंने महिलाओं के लिए बहुत बार कई बार इश्यूज उठाए, अब उन पर जब स्वयं उन्हीं के घर में ऐसा व्यवहार होता है और वो चुप जाते हैं तो कौन से महिला का सम्मान मुख्यमंत्री से उम्मीद की जा सकती है? नव्यान कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए नव्यान। मैं बहुत क्लियरली ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारे सामने ये आ रहा है कि ये षड्यंत्र है, अगर एक ऐसी कंप्लेंट थी जब वो पुलिस स्टेशन में गए तो उन्होंने उस वक्त एमएलसी क्यों नहीं कराया, उस वक्त उन्होंने कंप्लेंट क्यों नहीं करी, 2-3 दिन का गैप बीच में क्यों आया, किससे डिस्कशन करने की जरूरत थी, किससे विचार विमर्श करने की जरूरत थी, क्या स्ट्रेटजीज बनाने की जरूरत थी कि 4 दिन बाद वो पूरा केस ऐसा बना दिया गया कि उनके साथ। तो बड़ा सवाल है शिखा जी, क्योंकि अक्सर जब भी ऐसा देखा गया है स्वाति मालीवाल के बारे में, जब भी अन्याय हुआ कुछ भी हुआ है वो वहीं उसी समय धरने पर बैठ जाती है, और यहाँ वो आराम से घर चली गई, इंतजार किया, मौके को समझा, देखा, ये जो आरोप है आम आदमी पार्टी का ये बहुत कुछ दिखा रहा है। देखिए हो सकता है उन्होंने इंतजार किया हो अपने नेता का कि उनके साथ अगर कुछ दुर्व्यवहार हुआ है तो वो कुछ बोलेंगे, कुछ उस पे एक्शन लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि उनको भी कोई उम्मीद नहीं थी मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी से, होगी ना, उनकी पार्टी की सांसद है वो, तो उस नाते उन्होंने सोचा होगा कि कुछ ना कुछ एक्शन, कुछ ना कुछ बात वो करेंगे, लेकिन जब नहीं उम्मीद हुई, नहीं कोई उनको दिखा उनमें तो उनको। और प्रोफेसर साहब ने तो राजनीति के कई सारे सोपानों को उतरते और चढ़ते देखा हुआ। प्रोफेसर रतन जैन साहब ठीक ऐसे ही स्थिति को देख रहे हैं, ठीक ऐसे ही मामले को देख रहे हैं जैसे कांग्रेस देख रही है।
कि भाई नहीं, चलता नहीं, है तो चलने दीजिए। कांग्रेस की बात अपनी जगह है। महिला दो बातें मुझे कहनी है, यदि कोई भी सरकार या कोई भी व्यक्ति महिलाओं को सुविधाएं देता है तो उसको महिलाओं का शोषण करने का अधिकार नहीं मिल जाता जी। दूसरा जो मुझे लगता है कि जो संजय जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो स्वाति जी से मिलने के बाद हुई, जैसा उन्होंने क्लेम किया, और ये नहीं माना जा सकता कि संजय जी ने मुख्यमंत्री जी से बात नहीं की होगी या उन्होंने विभव से बात नहीं की होगी। जब वो पहले आए एक मानसिकता को लेकर आए, बाद में जिस तरह की परिस्थितियां बदली उससे उस स्टैंड में परिवर्तन हुआ। देखिए जो वीडियो की बात की जा रही है, पूरी वीडियो भी हमारे सामने नहीं है जी। उसके कट कट के पीसीज हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पहले तीन दिन पार्टी के अंदर इस बात का चिंतन रहा होगा, कोशिश रही होगी कि स्वाति जी और आगे ना बढ़े और इस मामले को पार्टी के लेवल पर ही सुलझा लिया जाए जी। लेकिन मैं मानता हूं कि जब स्वाति जी को ये लगा होगा कि नहीं कुछ हो नहीं रहा तो उसके बाद वो आगे कदम उठाकर चल दी। चलिए रतन साहब, एक बड़ी खबर भी आ गई है। देखिए लगातार इसमें घटनाक्रम कैसे बदल रहा है। इस घटनाक्रम को बदलते हुए आपको बड़ी खबर दे रहा हूं। वैभव कुमार की 30,000 कोर्ट में पेशी हो गई है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से 7 दिन की रिमांड वैभव कुमार की मांग ली है। वैभव के वकील ने कोर्ट में ये मांग रखी है कि जो रिमांड अर्जी पढ़ने के लिए कोर्ट से समय मांगा है कि कम से कम उस अर्जी को पढ़ा जाए। आशीष सिन्हा हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद है, बता आशीष क्या कुछ घटा। देखिए विवेक कुमार को आज कोर्ट में पेश किया गया। सबसे अहम बात यह है कि जो दिल्ली पुलिस की तरफ से रिमांड एप्लीकेशन मूव की गई है, उस रिमांड एप्लीकेशन में दिल्ली पुलिस ने विवेक की 7 दिनों की कस्टडी मांगी है। अमूनन इस तरह के मामलों में पुलिस जो है वो आरोपी से पूछताछ के लिए कस्टडी की एप्लीकेशन जो है वो अदालत में दाखिल करती है। इसी बीच वहां पर विवेक कुमार के जो वकील होते हैं वो अपीयर होते हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो रिमांड एप्लीकेशन दाखिल की है पुलिस ने उन्हें पढ़ने के लिए कम से कम 10 मिनट का समय दिया जाए ताकि वो अपने डिफेंस को तैयार रखे। कुछ नहीं है बात, जो मेरे सूत्र हैं, जो मेरी बात हुई थी उसके मुताबिक वो इस रिमांड अर्जी का विरोध करेंगे और ये कहेंगे कि ये मामला जो है ये पुलिस रिमांड का नहीं है, अगर बहुत ज्यादा हो सके तो उन्हें जेसी में भेजा जाए, वो जमानत अर्जी दाखिल करेंगे। दरअसल आज दोपहर में जब उनकी तरफ से अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की गई थी तब दिल्ली पुलिस की तरफ से ये बताया गया कि 4:15 बजे विभव को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया था, यानी उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। तब अदालत ने ये कहा कि चूंकि ये अग्रिम जमानत की याचिका है लिहाजा अब ये इन्फेक्चुअस हो गई है, यानी प्रभावहीन हो गई है, और उसके बाद अदालत ने उस अर्जी का निस्तारण कर दिया। तो अगर आज विभव कुमार को पुलिस कस्टडी होती है तो ये तय मान के चलिए कि वो इस गिरफ्तारी को चुनौती देंगे, लेकिन चूंकि कस्टडी में रहेंगे तो उस समय जमानत अर्जी दाखिल नहीं कर सकते। अगर विभव को जेसी में भेजा जाता है तो वो आज ही जमानत अर्जी दाखिल कर देंगे, क्योंकि धाराएं जो उन पे लगाई गई है उसमें मैक्सिमम जो सजा है वो 7 साल की है। उम्मीद उनकी इसी तरह होगी अदालत से कि उन्हें जमानत मिल जाए, लेकिन ये राह उतनी आसान नहीं है क्योंकि यहाँ महिला सांसद से मारपीट का मामला है, FIR दर्ज हो चुके हैं और जो मेडिकल रिपोर्ट है वो इस बात की गवाही देती है कि स्वाति मालीवाल से मारपीट हुई थी। आशीष इसमें 7 दिन की रिमांड समझ में नहीं आता, सिर्फ इतना पर पूछना है कि भाई आपने मारा है कि नहीं मारा, पीटा है कि नहीं पीटा, लेकिन 7 दिन मनु जी ये इतना आसान नहीं होता है। जो मतलब जो आप सवाल कर रहे हैं ये केवल 2 सवाल होंगे, सवालों की फेहरिस्त लंबी होगी। सवालों की फेहरिस्त इसलिए लंबी होगी क्योंकि पुलिस ये पूछताछ करेगी कि जब इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया तो वहां पर कौन कौन मौजूद था। सबसे अहम बात यह है कि पुलिस इस बात की भी जांच करने की कोशिश करेगी कि क्या यह इरादतन किया गया है, यानी पहले से ही यह तय था कि जिस तरह से स्वास्थ्य को हमने देखा था कि पार्टी से साइडलाइन किया जा रहा है, पार्टी की तरफ को ना ही किसी भी कैंपेन में उन्हें स्टार प्रचारक बनाया गया, चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, जबकि वो राज्यसभा सांसद हैं, बहुत ही प्रखर वक्ता है, बहुत ही अच्छा लोगों के साथ कनेक्ट होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो पार्टी के स्टार प्रचारक होते हैं उसमें स्वाति का नाम नहीं था। तो क्या स्वाति को लेकर जो नाराजगी थी वो नाराजगी फूटी? उतनी अहम बात ये भी होगी कि क्या इस मामले में कोई दूसरे व्यक्ति भी शामिल है। तीसरी अहम बात ये होगी कि क्या ये पूरा मामला 120B यानी आपराधिक साजिश की तरफ से इशारा नहीं करता। चौथी अहम बात की जो CCTV फुटेज की बात पुलिस कर रही है, अगर वहां पर मौजूद था तो वो CCTV फुटेज कहाँ है। पांचवी अहम बात की विभव कुमार जो इतने लंबे टाइम से पुलिस से बच रहे थे, क्योंकि पुलिस उनके घर भी दबिश देने गई थी, तो विभव कहाँ थे। सातवीं अहम बात की जब विभव दिल्ली में मौजूद नहीं थे तो उनकी मदद किसने की।
आठवीं अहम बात, जब विभव को यह पता था कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई तो वो पुलिस के सामने क्यों नहीं आए। नौवीं अहम बात, इस पूरे मामले में जो उन्होंने कंप्लेन दर्ज की है उन दोनों ही कंप्लेन्स को मिलाया जाएगा और हो सकता है आने वाले समय में स्वाति के साथ बैठाकर उनको क्रॉस कराया जाए। और दसवीं और सबसे अहम बात, इस पूरे मामले की घटना की जानकारी क्या मुख्यमंत्री को थी? अगर मुख्यमंत्री को थी तो उन्हें क्या ब्रीफ किया गया है? क्योंकि स्वाति की जो एफआईआर है मनु जी, वो ये कहती है कि उन्हें एक आदमी ने, जो उस समय वहां के कर्मचारी हैं, उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री जो थे उस समय वहां पर मौजूद थे। अगर मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ये सारी चीजें हुई है तो आने वाले समय में मुख्यमंत्री का भी इसमें पूरे मामले में, यानी अरविंद, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई, यानी कि 10 बिंदुओं के जरिए आपने इस पूरे मामले को समझा दिया कि इसमें होने क्या क्या वाला। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष का करेंगे। और हमने जो सर्वे किया उसका एक अंतिम सवाल और बचा, वो अंतिम सवाल क्या है? अंतिम सवाल है कि आम आदमी पार्टी के किस नेता के बयान पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा रहा है? 29% लोगों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल, 7% लोगों ने कहा स्वाति मालीवाल, संजय सिंह 2% लोगों ने कहा, आतिशी 2% लोग, और 59% लोग कह रहे कि हमें किसी पर भी यकीन नहीं। 1% लोग कह रहे थे कि हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। हमारे साथ रेखा जी मौजूद हैं। रेखा जी, सारा घटनाक्रम है, पेश भी कर दिया गया वैभव कुमार को और 7 दिन की पुलिस रिमांड भी मांग ली गई, यानी कि वैभव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, लेकिन जो सवाल जवाब होंगे उनकी लंबी फहरिस्त है। बावजूद इसके भारतीय राजनीति में ये पहला मसला नहीं है, महिलाओं के साथ अत्याचार का, उनके साथ दुर्व्यवहार का, ये बड़ी लंबी फहरिस्त है और सभी राजनीतिक पार्टियां इससे अछूती नहीं है। देश के सामने संकेत क्या महिलाओं को लेकर? राखी जी, हाँ जी, मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि कहते महिलाओं के लिए इस ऐसे उसमें कि मुख्यमंत्री बिल्कुल खामोश हैं और इसको एक पॉलिटिकल स्वरूप में लेके आ रहे हैं, तो ये एक महिलाओं को एक असुरक्षा की भावना उनमें जागृत हो रही है। क्योंकि आप अगर एक मुख्यमंत्री है तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट में क्लियर करिए। अनफॉर्चुनेटली जब से इंसिडेंट हुआ वो अपने पीए के साथ घूम रहे हैं, ना कि उन्होंने एक भी चीज आके अपनी महिला मुख्यमंत्री, अपनी महिला सांसद को एक सुरक्षा की भावना प्रदान करने के लिए, उनके लिए, उनको जस्टिस दिलाने के लिए कोई भी क्या योगदान किया, क्या क्या स्टेप्स उठाए, वो आके पब्लिकली बता क्यों नहीं रहे हैं? ये चीजें बहुत गलत है। एक अगर हम मुख्यमंत्री से उम्मीद करते हैं कि वो जस्टिस ओरिएंटेड होने चाहिए, उनको निष्पक्ष होकर दोनों पहलुओं को सुनना चाहिए था, दोनों पहलुओं को सुनना चाहिए। अगर चाहते तो ये मामला संभल सकता था, रुक सकता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि घटनाक्रम कुछ इस तरीके से घटता चला गया।